गाइस देख रहे हो ये का कांड हो रहा है। रात को जो हमने गाड़ी वाली थी अपनी गाड़ी में, तो अभी अनलोडिंग हो रही है वो भी क्रेन के थ्रू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैन मीर व्लॉग। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम फिर से अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं अपनी गाड़ी में 17-18 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का व्लॉग हम फ्रेश मॉर्निंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और अभी यहां से जा रहे हैं अपने जम्मू के लिए। तो सियाद भाई नहीं आए थे वापस, तो आपको बताया था मैंने लास्ट व्लॉग में कि वो गए थे अपने कुछ काम था उनको, तो वहाँ पे ही गए थे। तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी खाली करके, मैंने आधा व्लॉग ही शूट किया था, उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया था। तो आज नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी अपना सफ़र स्टार्ट किया यहाँ से अपने गोल से सीधा जम्मू के लिए। तो देखते हैं आगे क्या सीन रहता है, लेकिन गर्मी ना एक नंबर है जम्मू में, तो बुरी हालत है यार। पूरे जिस्म में एलर्जी निकली है गर्मी की वजह से, पसीना इतना निकलता है ना पूछो ही मत। आपको दिखाया भी था कि कितनी गर्मी है परसों, तो जब मैं आया था उस दिन 35 डिग्री टेम्परेचर था, और मेरे ख्याल से आज तो धूप है, आज जम्मू में ज़्यादा गर्मी होगी। चलो इसी के साथ करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट और मिलते हैं आपसे आगे अपने सफ़र के साथ साथ। तो बाकी ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक तो ज़रूरी करना है भाई, जो वीडियो वॉच करता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और इंस्टा भी पे भी फॉलो करें, और फेसबुक पेज पे ज़ैन मीर ब्लॉग के नाम से उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे आगे आगे। A few moments later. देख रहे हो आज बिल्कुल रोड खाली खाली सा है आज तक। रोड पे पीछे बॉर्डर वाले में तो गाड़ियाँ रुक थी, लेकिन यहाँ पे परसों देख, मतलब आपने देखा ही होगा क्लिप में लास्ट व्लॉग में कि कितना जाम था यहाँ पे, और जिन पे कितना हमने एक रील भी बनाई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जाम था परसों। आज तक खाली है यहाँ पे क्योंकि पीछे भी गाड़ियाँ हैं अभी, तो अपना पीछे पीछे आ रहा जहांगीर भाई अभी साथ में ही चल रहा है। अभी सुबह का टाइम है, सुबह अभी सन राइज हुआ है, तो अभी देख धूप देखना कितनी ज़बरदस्त निकल रही है। लेकिन आज दिन को गर्मी भी काफ़ी होगी क्योंकि जम्मू जा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, जहांगीर मैंने अभी पीछे बनी है सोमो संगल नाम से, रात को काफ़ी लेट हो गया था। देख रहे हो आज जम्मू की तरफ कानवाई है, लोड गाड़ी एप्पल फ्रेश माल लेके चल रहे हैं, देख पा रहे होंगे सीधा जम्मू। ये जम्मू नहीं, ये बारह चक्का जो है इनको दार रोड से छोड़ते नहीं हैं, सीधा जाते हैं ये जम्मू से बाईपास से निकल जाते हैं, और दो 10 चक्की हैं उनको शायद मेरे ख्याल से छोड़ते हैं दार रोड के लिए, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियाँ ना, तो बड़ी गाड़ी वहाँ से रोड भी काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से उनको वहाँ से नहीं अलाउ किया जाता है। यार ये प्लास्टिक वाले ड्राइवर ना बहुत तंग कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं लगता है अगर बंदा साइड लेने होता तो ये कभी साइड ना बिल्कुल टायर के नीचे रह जाते हैं। गाइस ये लीजिए, चेक करो यार, ये देखो भाई राजस्थानी छत बनाई हुई है। तो गाइस हमने फिलहाल आगे एक सरप्राइज होने वाला है आपके लिए, अभी वो बताऊंगा नहीं सरप्राइज क्या। तो गाइस पहुंचे हैं अपने मोदी ग्राउंड, और ये अभी नागा तो पीछे ही है, लेकिन गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े ट्रेलर्स 20-20 चक्की 18-18 चक्की सारे इनको आगे लगा के रखते हैं। ये आगे इसलिए, नाके से आगे इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बिल्टी जो होती है ना वो ट्रैफिक वालों के पास होती है,
तो इस साइड देखो ये ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान लेके आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का ब्रिज का सामान हो, पाइपें वगैरह जो कि आपको दिख पा रहा होगा। अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग देख रहे हो इस ट्रेलर कितने कितने बड़े हैं, ये देखो इसमें खाली ट्रांसफार्मर लोड है, इस पर खाली पाइप लोड है, ये क्या बुलाए है भाई। साइड भी देख पा रहे हो खाली ट्रेलर, जब इनकी कामें निकलती है ना खाली फिर इनको ही छोड़ते हैं, फिर दूसरी गाड़ी को नहीं बीच में छोड़ते क्योंकि इनसे जाम लग जाता है। आज तो कानवाई इधर से ही है, देखते हैं कब तक रिलीज कर देंगे। और यहीं पे कानवाई रुकाते हैं मोदी ग्राउंड, मोदी ग्राउंड नीचे जो है वहाँ पे कम से कम 10,000-20,000 गाड़ियाँ लगती, इतना बड़ा ग्राउंड है शायद मेरे ख्याल से, इतने मैंने सुना है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो गाइस पहुँचे अपने नगरोटा, अभी पहुँचने वाले हैं, तो लाइन आप देख सकते हो उधमपुर से यहाँ तक आज फिर से लाइन लग गई है, यहाँ मेरे ख्याल से एंड होती है, यहाँ से पीछे मेरे को नहीं लगता कि गाड़ियाँ हैं होंगी भी। तो जो आपको सरप्राइज हो रहा था उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज दीपू भाई थे रोड पे तो उससे मिलना था लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, पता नहीं बिजी होंगे कहीं, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह और कहीं मिलेंगे। तो ड्राइवरी का काम ही ऐसा है, हम तो जब भी मिलते हैं तो रोड पे ही मिलते हैं और कहाँ मिल सकते। तो आगे बहुत सारे बंदे मतलब जमा हो गए, ट्रैफिक वाले ड्राइवर वगैरह, मेरे ख्याल से कुछ इशू हो रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कुछ स्ट्राइक हो रही है शायद, अभी आपको भी दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे निकलने दो क्योंकि आगे गाड़ियाँ हैं नगरोटा बाईपास के पास में। भाई क्या मसला है, क्या सीन हो गया, कोई ठोक तो नहीं गया गाड़ी वाला किसी को। देख रहे हो कितना रश है यहाँ पे, इस साइड भी कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पता नहीं क्या सीन है। आज तो कानवाई यहीं से है लेकिन पैसेंजर गाड़ियों को भी रोक दिया है, देख सकते हैं आप नीचे कितना क्राउड है यहाँ पे गाड़ियों का। तो हम भी चलते हैं, हमारा भी क्या पता कल हमें छोड़ें या नहीं छोड़ें, कितने दिन रुकना पड़े यहाँ पे कोई खबर नहीं। ये ड्राइवर भाई ऐसी है यार, कोई मसला नहीं लग रहा है यहाँ पे। गाइस देख रहे हो ये क्या कांड हो रहा है, रात को जो हमने गाड़ी वाली थी अपनी गाड़ी में, तो अभी अनलोडिंग हो रही है वो भी क्रेन के थ्रू, जो कि आप देख पा रहे होंगे अभी टोचन लगा दिया है HR 47D 8795। ये रही भाई साहब की क्रेन, अभी ये यहाँ से टोचन करके ले जाएंगे मिस्त्री के पास सीधा। तो देख रहे हो यहाँ से भाई साहब इसको खींच रहे हैं अपने पोजिशन की ओर, वापिस अभी निकालेंगे बाहर सीधा डायरेक्ट। देख रहे हो कैसे धीरे धीरे गाड़ी बाहर आ रही है, अभी भाई इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। बस बस आ गई भाई, बस फाइनली गाइस गाड़ी आ चुकी है बाहर, अभी हम करते हैं अपना काम ख़त्म और देन उसके बाद यहाँ से चलेंगे। सो गाइस काम शाम अपना हो गया कंप्लीट, अभी नरवाल में ही है, यहाँ पे एक थोड़ा सा गाड़ी का काम करवा रहे थे और ऊपर से आज संडे भी था इस करके हमने आज लोड नहीं किया, तो दूसरी गाड़ी भी ये सामने लगा के रख दी, आपको दिखाएंगे, आपको दिख रही होगी। तो ये रही दूसरी अपनी गाड़ी, तो आज यहीं पे नरवाल में ही है, अभी यहीं पे स्टे करते हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है।
ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी कल ही देखते हैं लोडिंग के लिए। आज लोड तो कहीं का मिला नहीं क्योंकि आज संडे था, संडे की वजह से छुट्टी होती है हर जगह पे, तो कल लोड करते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो मेरा मन कर रहा है आज कश्मीर जाएँ, कश्मीर के एप्पल लोड करें। आज काफ़ी टाइम के बाद, पिछले साल गया था तो उसके बाद गया था मैं कश्मीर, लेकिन सेब लाने तो नहीं गए। तो मिलते हैं आपको कल ही, करते हैं यहीं पे अपने व्लॉग को एंड।